चलो भाई ये आ तेरी बीबी आ चोदू, आ तेरी बीबी आ चोदू, आ ऊपर आ। अभी ये बड़वा ऐड क्यों नहीं हो रहा है? आ तेरी बीबी आ चोदू, बहन चोद। अब मैं ना रैंगलर जीप लाऊंगा भाई 15-20 दिन में। आ तेरी बीबी और दीदी आ दोनों चोद दो, आ ऊपर आ। आ तेरी बीबिया और दीदिया दोनों छोड़ दो, कतई बहम में हो। आ बहन के लंड, भाई आज भाई इंडिया के रात को 2:30 बजे भाई चार्ज आ तेरी बीबियां छोड़ यार, ये कोई ऐड क्यों नहीं होता यार? चलो भाई ये कोई आया है बेबी, आ जाओ भाई बेबी अंडरस्कोर पता नहीं कौन है, आ जाओ बेबी। थैंक्स, हैव अ गुड टाइम। आओ बेबी, हेलो आई डोंट हैव कोल्ड ड्रिंक तो ब्लूबेरी या वाटरमेलन पी का ही है। कौन सा कलर है? या वन वन ये बहनचोद क्यों, कोई टिकता क्यों नहीं भाई यहाँ पे? इसकी माँ की चोट इसी की। गणेश चौहान आ जाओ भाई, गणेश चौहान का लौड़ा कोई ऐड नहीं हो रहा है। गणेश चौहान ऐड हो जा बहन के लंड। अरे भोसड़ी वालों, बोल तो रहा हूँ कि रतन टाटा दुनिया को टाटा बोल के चले गए, अब बहनचोद मतलब के बस एक ही बात लिखते रहोगे? दिस कार्ड इज
ये बहन चोद को ऐड क्यों नहीं हो रहा है? इसकी माँ की चोद इसकी है। अक्षय सही जा, अक्षय सही जा, अक्षय सही जा, आ भोण को लंड, अक्षय सही जा। यार पता नहीं है, पता बकचोदी ऑन टॉप। वही कोई एड ही नहीं हो रहा है, क्या करूं बताओ। चलो फाइनली अब ये फाइनली ये लास्ट किसी को ऐड किया है भाई। ऐड होता है तो ठीक है, वरना फिर नहीं तो तुम तुम्हारी मां चुदा। बोले कि पनोरी भाई भाई नरेश, तुम एक बात बताओ कि जी जब कल लाइव चल रही थी, वो बंदा बोल रहा था, उसने ये बोला, क्या हुआ? हाँ बोलो, आपकी आवाज कट रही थी अब। वो बंदे ने ये बोला कि भाई जो 80,000 है, वो 80,000 मैंने नारंग को दिए थे। अब नारंग ने आगे पैसे डबास को भिजवाए या नहीं भिजवाए मुझे नहीं पता। जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो तुम कल मतलब लाइव पे बोल क्यों नहीं रहे थे? लोग तुम्हें लाइव में चोर बोल रहे थे, ये तो गलत बात हो गई ना। अरे नहीं पनौड़ी भाई, मैं नीचे से आपको बार बार लिख रहा था, मुझे ऐड करो ऐड करो, मुझे ना कोई ऐड ही नहीं कर रहा था। और अच्छा तो आप बातों तो की सच्चाई क्या थी? आपको मेरे ऊपर ऐसा शक है क्या मैं 80,000 रुपये मतलब ले सकता हूँ और दूंगा नहीं? चलो वो बात तो चलो, कल मैंने शायद इतने से तुम्हारी तो कमेंट नहीं देखी। इतने से तो क्या आप भी मेरे लिए कह देते भाई मेरे से ले लेना, पर ऐसा हो सकता है क्या मैं ऐसे करूँगा? देखो मुझे तो तुम्हारे ऊपर मतलब 25% ट्रस्ट है, ज्यादा नहीं है, हाँ हाँ लेकिन 25% ट्रस्ट है मुझे तुम्हारे के तुम्हारे ऊपर। क्या मतलब? जी, वो पता नहीं, वो आपस में फोन हुआ और उनकी आपस में कन्फर्मेशन हो गई, तो वहां से बात फिर हो गई कि भाई आगे पैसे मतलब वो किसी और की जगह किसी और का नाम लिखाई में आ गया। मतलब तुम्हारे ऊपर जो कल इल्जाम लगे हैं वो किसी का नाम छुपाने के लिए लगाए हैं? नहीं, मतलब वो पैसे क्या है, जो कलम थी ना वो किसी और के नाम पे थी और किसी और के नाम पे चली गई। अच्छा, मतलब ये जो 80,000 का ट्रांजेक्शन है उसमें तुम्हारा क्या सीन था? मतलब हेलो, तुम्हारा मैं कोई तो सीन था या नहीं था? मेरा कोई सीन नहीं था। अच्छा, तो फिर तुम्हें वो मोहित चौधरी चोर क्यों बोल रहा था? मोहित चौधरी ने मोहित ये बोला कि देखो चाचा अच्छा इंसान है, चाचा के पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, चाचा को मैं मिला हूँ, लेकिन चाचा कभी कभी या ना मतलब के फेम खाने के चक्कर में वो चोर बन जाता है। तो उसने कल ये भी बोला कि हो सकता है कि चाचा ने मतलब 80,000 ले लिए हो कॉन्ट्रोवर्सी करवाने के लिए, मतलब कि उसको ये सारी चीजें करने में बहुत मजे आते हैं। तो क्या ये बात सच है? नहीं, अब आज है ना मोहित तो आ ही नहीं रहा, कहीं दिख भी नहीं रहा। उसने ना मेरे से स्टोरी लगवाई 11 बजे खेला करेंगे और वो गायब है आज दिन भर से। किसका खेला था आज? वो कह रहा था आज 2-3 खेले करने हैं, फिर पता नहीं कहाँ चला गया वो। अच्छा, मतलब नोटा किसकी स्टोरी लगाई थी तुमने? मतलब के कच्चे चिट्ठे खुलेंगे आज रात 11 बजे खेला होगा।
अच्छा। वो कॉल भी नहीं उठा रहा और लाइव पे भी नहीं दिख रहे। आज सब पता नहीं कहाँ चले गए वो। यू हैव आईडी राइट? वो मोहित तो आ गया आज मतलब पटवारी भाई, मोहित आ गया नीचे है ना, उसको ऐड करो। अच्छा, एक मिनट ऐड करता हूँ भाई। एक कमेंट कर दो, एक कमेंट कर दो तो मैं ऐड कर पाऊंगा। कमेंट कर दो, ये मोहित ने भी लिखा है कि मिस यू रतन टाटा। मतलब मोहित लिख तो ऐसे रहा है कि रतन टाटा खुद इसका सगा चाचा हो। मतलब मोहित लिख तो इस तरह से रहा है कि रतन टाटा की गोद में ये खेला हो। देखो भाई ये ये तो चौधरी है, वो टाटा है, फिर इसका उसका कैसे मामला बनेगा? भाई, ये मोहित चौधरी है, इसका मामला कहीं पे भी बन जाता है। समझा अच्छा करो बात को। पलोड़ी भाई किसी को तो छोड़ दो यार, बेचारा इतना शुद्ध इंसान है। तो भाई तुम तो कल इसको बताओ चोर बोल, तुम इसको चोर बोल रहे थे, तुम इसके साथ लाइव पे बैठे हो। किसको? अरे ये चाचा को मैंने तो पहले ही मोहित बोला था कि मैंने तो तुम मेरे को पहले ही चोर बोला, बोल रहे थे। मैं क्यों बोलता, जिनका तुम काम धंधा संभाल रहे थे पैसे का, वही कह रहे हैं कि डबास भाई पूछ लो। पनोड़ी भाई झूठ मत बोलना, किसने बोला था किसके पास पैसे हैं? हाँ, मतलब के नारंग के पास 80,000 का ट्रांजेक्शन, वो कल जो बंदा ऐड हुआ था तो उसने नारंग को 80,000 का ट्रांजेक्शन दिया, और उसके बाद नारंग ने मेरे तक पैसे पहुंच मतलब मुझे दिए ही नहीं। दिया ही नहीं, नरेश नरेश नारंग खा गया, दबास भाई ने कहा ऐसा। तो बुलाओ दवास भाई को यहाँ पे। तो देखो भाई, तुम्हारी यार मेरी गांड नरेश नारंग, तुम ऐसे काम पड़ करते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे मतलब काम जाएगी। करते हो। बनोड़ी ठीक है, भाई मैं तो 1-2 करोड़ खाऊंगा, जिस दिन खाऊंगा 80,000 से मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अच्छा। तो भाई आज किसका खेला था, मतलब आज तुमने खेला किया? ये मोहित भाई ने ना स्टोरी लगाई थी, आज रात 11 बजे खेला होगा मैंने फीफा का। मैं क्यों लगा था, मेरी तो स्टोरी नहीं लग रही। चाचा नहीं ये आपने हुक्का, मुझे ये भेजी थी, हुक्का हुक्का कहाँ से ले आए तुम ये? ये डबास भाई ने दिलाया था ना मेरे को गिफ्ट में। अब वो मुझे फोन करते हैं शाम को के हुक्का लगा, फटाफट हुक्का लगा, अभी भी करा था तो मैंने लगाया। फिर राइट लेवर भी वो कोरियर करके भेजते हैं मेरे पास। अच्छा हाँ यहाँ तो मिलते कहाँ है फ्लेवर, वहीं से आते हैं मेरे, मतलब वो दुबई से आते हैं। जी। अच्छा, और सब्जी है ना डबास भाई की, वहां से आती है। वो कौन सी मंडी है, हरिद्वार के पास से आती है, वहां से हर हफ्ते की सब्जी। और घी वहां से आता है बाहर से। अरे सबसे अच्छा घी तो हरियाणा में ही मिलता है यार, क्या बात कर रहे हो। नहीं, हरियाणा से बढ़िया वहां से मंगाते हैं। वो पता नहीं कहाँ का नाम बताया था उन्होंने, वहां से बहुत बढ़िया घी आता भाई दूध और घी तो सबसे अच्छा हरियाणा में ही मिलता है, इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि दूध लंदन घी का खाना और हमारा हरियाणा। लंदन 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 से घी आता है, लंदन से। टट्टी करने कभी पाकिस्तान तो नहीं जाते? नहीं, मैं तो हकीकत बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं, सच्चाई यही है। ज्यादा थोड़े दिनों में तुम्हारे नाम की बता कैविन सी आईडी बन के आएगी, मिस्टर फेंकू। तो यार इंस्टाग्राम पे अगर फेकू नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे बताओ। 80,000 का बता दो कहाँ गए वो 80,000।
वो क्या गलती से किसी के और के नाम क्या लिखने थे, उनके नाम लिखाए आगे लेजर में, और फिर वो कल चेक कराना लेजर, तो फिर वो गलती से हो गया था, मैं मिसमैच हो गया था। दूसरे आदमी की बेइज्जती कर दो यहाँ, फिर भी मैच हो गया था। ये तो नोड़ी भाई, पता किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी ना किसी का खेला करेंगे। अरे नहीं, भाई मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। और बात रही खेले की, तो यार खेले में मजा तब आता है जब मतलब सामने वाला भी मतलब थोड़ा सुरवीर हो, सामने वाले भी थोड़ा मतलब लाए बाए पे आमने सामने आए, तो खेले में मजा आता है। लेकिन आजकल तो वैनचोद, जैसे ही देखो ये कल का खेला था, लेकिन उसमें मतलब मजे नहीं आए यार। अभी एक मोहित भाई खेला मेरे हाथ में लगा है, लेकिन मोहित भाई के हाथ में खेला लगा है पनोड़ी भाई। मोहित भाई कल वो अरे रुक खेला जाओ था यार, एक वो मिनट रुक जाओ यार, क्या कह रहे हो पनोड़ी भाई, कौन सा वाला? एक खेला आया है, लेकिन अब उसमें इतना मजा नहीं है यार। मजा इसलिए नहीं है कि थोड़ा पुराना खेला, इसीलिए मतलब मैंने सोचा भाई जान दे। कौन सा? अरे वही, वो जो आज एक लड़की की पिक्चर्स आई है ना, किसकी आ गई? अरे है एक लड़की, उसका नाम मुझे पता नहीं है यार, ये उत्तराखंड की है वो, और उसने भी बहुत सारे लोगों को उसने बदनाम किया, लेकिन अभी उसकी सच्चाई खुली है कि वो तो 2018 से ही शादीशुदा है, और सोशल मीडिया पे लोगों के साथ ये मजे लेती थी और लोगों को बोलती थी कि भाई मैं सिंगल हूँ, एंड बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब फोन आ वो गया जो क्या? फोन लड़की है, क्या हुआ? है? अरे उसका नाम नहीं यार मुझे याद, क्या नाम है उसका? आज ही उसके पिक्चर्स एंड वो सारी चीजें आई है, उसने मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर इल्जामात लगाए थे, और अभी लोगों को पता चला कि भाई वो तो शादीशुदा निकली, ऐसे ही झूठे ही एलिगेशन लोगों पे लगाती थी। हाँ, लेकिन अब वो जो बात है मतलब वो जो है वो बहुत पुरानी बात है यार, तो उसमें मजा नहीं आएगा ना। अच्छा, हाँ ओए बेड़ा अरे बेड़ा गाली दे रहा मोहित भाई ये, आप अब मन दोनों को गाली दे रहा है तुम्हें क्या गांड मरवानी ये है, गाली दे रहा है पता नहीं छत्तीसगढ़ में कर रहा है, अरे दे देन कमेंट दो। में आपको गाली, मेरे को अरे तो गाली तुम्हारी ऐसे गांड कैसे दे रहा में है क्या आप? पूजा हो रही है, तुम्हारी आप ब्लॉक मार दो गाले मोहित को। भाई, वैसे तो ये मोहित बोलता है मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, अब ये गाली अरे दे रहा है तो उसका भैया जवाब नहीं दे भैया रहा। मेरी बात सुन, चाचा मैंने तो 36 बार समझा रखी है। तो इनको एक बार बोल दो ना कि मुझे कोई गाली नहीं दे यार। भाई नरेश चाचा को गाली मत दो, बस हाँ हाँ हाँ। तो ये रतन टाटा की मौत कैसे हुई मोहित भाई, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो ये कमेंट से ही अभी पता चला। वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, मुंबई के किसी हॉस्पिटल में 4-5 दिन से, 4-5 दिन के 10-12 दिन से एडमिट थे, और अच्छा वो अच्छा कह अच्छा रहे हैं कि यार पनोड़ी भाई इस राइट। बंदे ने ना पैसा बहुत दिया भाई, डोनेट बहुत किया, सबसे ज्यादा डोनेट करने वाला बंदा था ये। और देखो मरते हाँ दम तक भी मतलब ये बोल के, मरते दम तक भी ये बोल के गया है कि मेरी आईसीयू में एडमिट होने की वो मतलब आईसीयू में थे ना कि वो फर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हाँ मतलब वो शेयर मार्केट को भी इफेक्ट होती है ना। पनौड़ी भाई, पनौड़ी भाई कल है ना दिल्ली के सादरा में रामलीला चल रही थी, तो एक कौशिक कौशिक ने ना राम भगवान का रोल कर रहे थे, तो वो अटैक आते वहीं स्टेज पे ही मर गए। हाँ
वो रील्स में जो लोगों ने शेयर की थी, मैंने देखी वो रील्स के, वो रोल प्ले करते करते पीछे चला गया और फिर लोगों ने जाके देखा तो वो खुद ही राम भगवान को प्यारा हो गया था। वो देखो कैसी दुनिया में क्या क्या हो रहा है बताओ। वो यहाँ का क्या है पनौड़ी भाई, इंडिया का खान पीन भी सही नहीं है, यहाँ क्या मिलावट करते हैं हर चीज में, तो आदमी ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। हाँ ये बात तो है, मतलब इंडिया में इतना एयर पॉल्यूशन है, मतलब खाने में इतना सब कुछ मिलावट है, प्लस इंजेक्शन लगाते हैं, लौकी को बड़ा कर देते हैं, सब्जियों को बड़ा कर देते हैं टाइम से पहले। हाँ और ये चीज बटर में भी इसमें हाँ सारी चीजों में मिलावट होती है। तो मैं तो उसी दिन, मतलब मैं तो थोड़ा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि मैं तो खुद आज तक अमूल का जो घी आता है उसको सही में मैं आज तक घी ही समझ रहा था। लेकिन जब मैंने अमेरिका के इंडियन सुपरमार्केटों में देखा कि अमूल का जो घी होता है ना उसके ऊपर इन लोगों ने मतलब यहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सारी चीजें चेक करते हैं, उसके बाद ही सारी चीजें अमेरिका में आती है सेल के लिए। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर मतलब वनस्पति ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल का उन लोगों ने ऐसे मतलब टैग मार दिया है। लेकिन इंडिया में लोग अमूल को घी की तरह यूज करते हैं ना, मतलब घी की तरह खाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि भाई ये अमूल का घी नहीं है, ये एक्चुअल में वो वेजिटेबल ऑयल है। मिलावट करते हैं वो सब। हाँ तो भाई ये बहुत सारी चीजों में बहुत मिलावटें हो रही है। और देखो नरेश भाई, जिंदगी का है ना कोई भरोसा नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनने में आई ये एडविक सुमित नारंग को गाली बकरा है। सुमित नारंग को क्यों गाली बकेगा भाई वो? चाचा दूसरे फोन से अनुज भाटी की लाइव देखना, सच में बकरा है भाई, मेरे पास फोन आया भाई। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो? मोहित भाई तुम्हारे घर में घी तो घर का होता होगा, वो भाग गया। एक मिनट, ये उसका नाम क्या है, किसकी लाइव किसकी चल रही है? अनुज भाटी 50-50 के नाम से है पनौड़ी भाई। यार ये तो लड़की की आईडी खुल रही है, अनुज भाटी लिखा दो। मुझे तो लाइव दिख नहीं रही यार उसकी। थैंक्स, पता नहीं। बाय बाय।